इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हादसात होते हैं और हादसात में अक्सर लोग जान बहक हो जाते हैं। जान बहक होने की वजह ये है कि उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया जाता और उनकी मदद नहीं की जाती। लिहाजा कल गांधीनगर ब्रिज के पास, जो गांधीनगर और भुजल नगर के करीब से जो नेशनल हाईवे है, इस सड़क पर, इस हाईवे पर एक हादसा होता है और हादसा बड़ा ही ख़तरनाक होता है। चार लोग जो है उसमें फंस जाते हैं, तो इन्हें निकालने के लिए वहाँ के नौजवान किसी इंतज़ार के बगैर, किसी सहूलत को का वो इंतज़ार किए बगैर वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो फंसे हुए थे जो लोग, उन्हें निकाला गया और उन्हें निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया और इस वजह से उनकी जान बच गई। लिहाजा यहाँ पर हम एसीपी नारायण बर्मनी साहब के यहाँ पर दफ्तर के यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर उनका एसीपी साहब के हाथों गुलपोशी की गई, उनके हौसला अफजाई की गई और एसीपी नारायण बर्मनी साहब ने यही कहा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब है और इंसान को इंसानियत के लिए पैदा किया गया। कल हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। एक ट्रक दूसरा ट्रक को पार्किंग किया, से ट्रक को ज़ोर से मारने के बाद गाड़ी का उसको लेट ऑटो रिक्शा, चार पांच ऑटो रिक्शा जंप होके सामने के रहते। उस टाइम पूरा स्टक हो गया था, ड्राइवर और क्लीनर पूरा अंदर फंस गया था। पूरा इतना तकलीफ़ में एक टाइम, इट वाज अराउंड रात 12 बजे हो गया था। उस टाइम गांधीनगर और उज्जवल नगर के हमारा भाई लोग, यंगस्टर्स आके पूरा कोशिश करके, पूरा जितने हमें इनके ताकत था, जितने नॉलेज था, वो व्हीकल से आप रिपेयरिंग के लिए वो करीब थोड़े तो गैरेज है, उधर कुछ जो बच्चा है, पूरा मिस्त्री लोग है, वो यंगस्टर्स है, पूरा आके बहुत कोशिश करके दो लोगों को, हम इंसान को बचाने के बहुत इसके लगे, हम तो जान तो ला नहीं सकते, जो है वो बचाने के लिए पूरा रिस्क लेके इंसान के नाता से कहाँ का है, कौन है, ये कौन सा इसका है, बैकग्राउंड का है, कि कोई भी इसके लिए सोचा नहीं। तो बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके, पुलिस के साथ देके बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। तुरंत हॉस्पिटल को भी शिफ्ट हो गया है, खुद गाड़ी में लेके, गाड़ी में लेके हॉस्पिटल में इलाज दिलाए। वो दोनों बच्चे हैं, दोनों बच गए ऐसे, अच्छा इसका है, वो मेहनत का बात है। वो ऐसा लोग, हम जब इंसान तकलीफ में, इंसान तक थोड़ा इसके मैंने थोड़ा गड़बड़ में रहता, उस टाइम वो मदद करने का, इंसान का नाता का है, वो ह्यूमैनिटी काम से बहुत अच्छा तरह काम करके बचाया, वो शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो काबिल है वो फेलिसिटेस करके सत्कार सम्मान करने के लिए ये मौका, आप यंगस्टर्स ये मॉडल है। दूसरा ऐसा कोई तो ऐसा तकलीफ में रहा उस टाइम, नेचुरल कैलामिटीज रहते, कोरोना जैसा इसमें रहते, वॉरियर जैसा हम, और काम करने वाला वॉरियर बोले तो क्या यूनिफॉर्म पहनने वाला ये वो उसके वॉरियर का नहीं, जो ज़रूरत है, फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, जब ज़रूरत रहता है इंसान के नाते से काम करने का, वो टाइम पे काम करने वाला वॉरियर है। कल बहुत तरह अच्छा तरीके से कास्तों को हमारा अफजल पठान और इनका सब इसके साथी लोग पूरा मिलके बहुत अच्छा काम किया, शुक्रिया। आज का दिन जो है बहुत बड़ा फख्र वाला दिन है, क्योंकि कल रात को जो है 11:15 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसे में जो है चार लोग एक्सीडेंट हो गए उसमें, और चार लोग घायल हो गए, जख्मी हो गए। तो उसमें दो लोग जो है बहुत सीरियस थे और बचने की कुछ उनकी उम्मीद नहीं थी। एक तो जो है ड्राइवर के कैबिन में जो है फंस गया था पूरी तरह से, उसके पैर वगैरह फंस गया था, और दूसरा जो है दोनों ट्रक की चाक मिल गए थे, उतना ज़ोरदार एक्सीडेंट हुआ था, वो दोनों चाकों के बीच में जो है किन्नर सपड़ गया था। तो उसको निकालने के लिए जो है हमारे उज्जवल नगर के और न्यू गांधी नगर के जो हमारे यंग स्टार्स, जो हमारे आज के हीरो हैं, ये लोगों ने जो है रात को पूरा मेहनत करके क्रेन को लाने की कोशिश कर रहे थे। अगर क्रेन भी आती थी और क्रेन भी निकालने, क्रेन के हाथ से भी निकालते थे तो आदमी के जान को धोखा था। ये क्रेन का इंतज़ार नहीं करते हुए ये हमारे जो
हीरो लोग हैं, इन्होंने जो है उसको जैक लगा करके दो तीन बार जैक भी स्लिप हो गया, दो तीन बच्चे भी हमारे थोड़ा इंजोर्ड हो गए, उसकी फिक्र नहीं करते हुए वो बच्चे की, वो किन्नर की जो है वो जान बचाए, और दोनों लोग भी ऊपर वाली की मेहरबानी से और हमारे बच्चों की, हमारे भाइयों की मेहनत से और पूरी तरीके से सही और तंदुरुस्त हैं, और उनको डॉक्टर जेर इलाज चल रहा है अभी हॉस्पिटल में। और दूसरी बात, ये जात वगैरह नहीं देखते हुए, जैसा बर्मनी साहब ने बताए कि जो है वो कहाँ का है, क्या है, बैकग्राउंड नहीं देखते हुए उन्होंने जो है एक हमारे बच्चे एक इंसानियत दिखाकर जो है मदद की और उनकी जान बचाए। मैं सभी धर्म के लोगों से, सभी धर्म के भाइयों से मैं अजीज़ाना गुजारिश करता हूँ कि इंसानियत को देखो, धर्म को मत देखो, इंसानियत को देखकर काम करेंगे, क्योंकि धर्म से पहला, मज़हब से पहला इंसान बना है, बाद में जो है धर्म बना है। जहाँ भी अगर कोई भी अगर तकलीफ़ में है, कोई भी परेशानी में है, तो हम इंसान को इंसान बन करके जो है जाकर उसकी मदद करेंगे। कल जो नेशनल हाईवे पे जो हादसा हुआ जिसमें चार लोगों की जान बचाई गई और वो बचाने वाले जो नौजवान थे हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर उनकी गुलपोशी फरमाई गई और पुलिस अफसर नारायण बर्मनी साहब ने इनके काम को सराहा। पीछे जो प्रोडक्शन जो आता है होशिन के पीछे, उसके बीच में बरोबर उनके दोनों टायर थे अटक गए थे और जाग लगा के उनको उठाने की कोशिश की हमने, मगर वो निकल नहीं पाए। जाग जैसे लगाए थे वो पत्थर, मतलब उधर पे कुछ मिल रहा नहीं था जाग लगाने के लिए। बाद में उधर से रोड पे से पत्थर ले गए और लकड़ी के टुकड़े गिड़े जो होते वो ले आए, तीन चार जाग लगाए, जाग लगाए, जाग भी स्लिप हो गया, नीचे गिर गया, लड़के भी एक हमारा बच गया चोट लगने से, अल्लाह का शुक्र है। जो और जाग लड़कों ने ला के दे दिया, बाद में तीन जाग लगाने के बाद में उठाने के बाद में आराम से उनको निकाले गया। आपका नाम? जी सद्दाम। वालेकुम, मेरा नाम तनवीर। कल जो करीबन रात 11:30 बजे जो हादसा हो गया, हम उधर पे रुके हुए थे, जैसे कि लारी आके, एक लारी रुकी हुई थी उसको मारा, फिर बाद में जो कैबिन में फंसा हुआ था वो निकल गया आसानी से। जो किन्नर जो था वो टायर के नीचे फंस गया था, दोनों पैर उसके फंस गए थे। ये थे वही नौजवान जिन्होंने उन चार लोगों की जानों को बचाया था। उनका कहना है कि कई सारे जैक टूटे तो क्लीनर जिस तरह से फंसा हुआ था बिल्कुल वो उसमें से बचना उसका मुमकिन नहीं था, लिहाजा इन्होंने कोशिश की और उसे बाहर निकाला और अस्पताल तक पहुंचाया। अब वो अस्पताल में खतरे से बाहर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।